इसके बाद पुअर ब्लड सर्कुलेशन, और चौथा रेडिएशन, ये बीमारी के कारण। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे ये तीनों प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है इसके लिए दुनिया में ना कोई डॉक्टर है ना कोई दवा है। जो हमने एक बार वैक्सीन लगवा लिए और हमें नहीं होगा, ये रोज बनता है, हर समय बनता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस रोज बनता है। इसे केवल हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और अगर हम इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। इसको न्यूट्रलाइज करना। इसके बाद दूसरा कारण माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। पैसा आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन जो हमें हमारे बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलता। यही जो माल न्यूट्रिशन है इसको और एक्सीलरेट करता है। इसके बाद पुअर ब्लड सर्कुलेशन, 40 साल के बाद सभी का ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, लेकिन आजकल की लाइफ स्टाइल देखिए 20-25 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, ये समस्या है। रेडिएशन, मिश्रा जी ने भी थोड़ी देर पहले रेडिएशन पर चर्चा की थी। आप देखिए आज से 50 साल पहले रेडिएशन नगण्य था, कोई दिक्कत नहीं थी। आज रेडिएशन इतना तेजी से आगे हो रहा है कि समाज में न पहुंच सकता, वो तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि रेडिएशन जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, हाइपरटेंशन, इम्पोटेंसी जैसी बीमारी होती है, और डीएनए तक लोगों का चेंज हो जा रहा है रेडिएशन की वजह से। ये और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य कि हमारा समाज स्वस्थ रहे। अब कैसे स्वस्थ रह सकता है? अगर हमें रीजन पता चल गया और रीजन पर अगर हमने काम कर लिया तो स्वस्थ हो जाए। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं? इसके लिए हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटॉक्स करना। स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है हमारे अपने बॉडी को डिटॉक्स करना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी कार बाइक होती है, उसकी हम समय पर सर्विस कराते हैं। अगर समय पर सर्विस ना कराएं तो इंजन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। लेकिन हम उस इंजन की कभी परवाह नहीं करते हैं जिसकी वजह से वो सारी चीजें हमारी बॉडी उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। हम लोग चूंकि ये हिंदुस्तान है, हम कब अस्पताल जाते हैं डॉक्टर के पास? जब बिस्तर लग जाते हैं, घर वाले लेके जाते हैं। अभी अन्य सभी यहाँ पे नहीं। दूसरा, आप डिटॉक्स कैसे करेंगे? डिटॉक्स करने के लिए हमारे पास पॉली बेस्ट प्रोडक्ट है, ओबीसी सिट्रोसर, इनमें से कोई भी दो प्रोडक्ट लेके आप अपना डिटॉक्स कर सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन है किसी को तो इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट लेंगे और साथ में हम यह फोयस लगा देंगे, बस ये लगा देंगे, इतना कर लेंगे आपकी समस्या खत्म। दूसरा होता है सप्लीमेंट। पुराना ऑयल निकाला और नया डाल दिया, और अगर पुराने के साथ नया डालेंगे तो क्या होगा, पुराना वाला भी खत्म, मतलब नया वाला खत्म। नया होता ना, नए वाले को पुराना वाला खराब कर देता है, क्योंकि कहीं आप देखिएगा जो बुराइयाँ होती ना वो तेजी से फैलती हैं, अच्छाइयाँ दब जाती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेना चाहिए या फोएस, इस पर लीना, ये दो प्रोडक्ट हमें लेने चाहिए। इसके बाद आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में प्लस और माइनस एनर्जी बैलेंस करनी होगी। इसके लिए हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये बैलेंसिंग पर काम करते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं। इसके बाद चौथा आता है प्रिवेंटिंग। यानी जब हम प्रिवेंटिंग के प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमारा बॉडी बिल्कुल उसी तरह सुरक्षित हो जाता है जैसे किले के अंदर बस्ती सुरक्षित होती है। ये देखिए इसमें क्या लेना चाहिए, जिंक, क्वांजाइम, ओमेगा लाइव और कॉर्डिसेप्स, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, एफी प्लस, ये प्रोडक्ट हमें लेने चाहिए। ये सारे लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप जिंक लेना है
सभी को लेना चाहिए, क्योंकि जिंक की कमी से 106 बीमारियाँ होती हैं। अब अगर किसी को लंग्स की या लीवर की प्रॉब्लम है तो कॉर्डिसेप्स ले लीजिए। कॉर्डिसेप्स बेसिकली किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट चारों का काम करता है और सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके बाद आपको जैसे ओमेगा लाइफ है, 40 साल के बाद हर व्यक्ति को लेना ही लेना चाहिए, कम से कम 4 महीने जरूर लेना चाहिए तो हार्ट सुरक्षित रहेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने जरूर लेना चाहिए। इसके साथ में आपका जैसे आपने ये मल्टीविटामिन है, कभी भी चूँकि विटामिन पूरे किसी को नहीं मिलते, ये प्रोडक्ट हमें इस तरह से लेना चाहिए। तो इसके लिए ना तो हमें किसी से पूछने की जरूरत है, ना किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत है। ये सप्लीमेंट है, साइड इफेक्ट की गारंटी जो भी ट्रांस का डिस्ट्रीब्यूटर है बड़ी आसानी से ले सकता है कि साइड इफेक्ट है तो वो गारंटी हमारी। साइड इफेक्ट सप्लीमेंट का नहीं होता, सप्लीमेंट का केवल साइड इफेक्ट होता है केमिकल का। केमिकल रिएक्शन जब बॉडी में होता है तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ये केवल इस चीज़ पे काम करने का है और इस पे अगर काम कर लिया तो आप 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ आप एंजॉय करें। ये काम करना है। अब देखिए, अब ये तो क्लियर हुआ कि हमें सप्लीमेंट इस्तेमाल करना क्यों करना है, सभी को हो गया। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। अब जैसे इससे क्या 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 फ़ायदे होंगे, प्रोडक्ट लेने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे हम स्मार्ट रहेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, हमारे बहुत सारे चीज़ें जो है इंटरनली हम फिट हो जाए, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट हमारे सब फिट। केवल आपने ले लिया सबसे पहले टीपॉली और टीटोसन, अगर ये दोनों प्रोडक्ट भी ले लिए तो आप सोचिए किडनी, लीवर, लंग्स आपके हेल्दी भी अंदर से फिट, प्लस ये बहुत बड़ा एंटी कैंसर प्रोडक्ट है। टीपॉली बहुत जबरदस्त एंटी कैंसर, इसलिए ये प्रोडक्ट हमें ले। तो बाकी तो ट्रेनिंग का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है ये, इसकी एक एक प्रोडक्ट पर ट्रेनिंग कम से 2-2 घंटे होते हैं। तो रेगुलर आप लोग आते रहेंगे तो धीरे धीरे सारी जानकारी होगी। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, अगर हम अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं और अपने लिए नहीं अपने आगे आने वाली जनरेशंस के लिए, कितने लोग बनाना चाहते हैं, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए कितने लोग बनाना चाहते हैं। थैंक यू।